एक बार की बात है, सेवरीमन नाम का एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था और वहाँ पे एक खरगोश जिसका नाम गोलू था, वह अपनी मौसी के यहाँ पे रहने आया था। अगले ही दिन वो घूमने निकला। सेवरीमन की सुंदरता उसे बहुत ही अच्छी लगी और जब वो घूम रहा था तो पास ही पेड़ पर एक बंदर बैठा था जिसका नाम था चंपी। तो चंपी गोलू से पूछता है कि लगता है तुम इस वन में नए नए आए हो, पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तो गोलू कहता है, हाँ भाई, मैं इस वन में नया हूँ, मैं अपनी मौसी के घर आया हूँ और मेरा नाम गोलू है। तो चंपी पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारी मौसी का और तुम कहाँ से आए हो। तो गोलू अपनी मौसी का घर दिखाते हुए कहता है कि वो मेरी मौसी का घर है और मेरी मौसी का नाम पिंकी है। तो चंपी कहता है, अच्छा, तो तुम पिंकी आंटी के घर आए हो। तो गोलू कहता है, हाँ भाई, मैं उन्हीं के घर आया हूँ और मैं दूर पहाड़ पलाश वन से आया हूँ। तभी गोलू की मौसी उसको ढूंढती ढूंढती वहाँ पर आती है और उसको देख के चंपी बंदर पेड़ में छुप जाता है। और मौसी गोलू से पूछ बैठती है कि तुम चंपी से बात क्यों कर रहे थे, वो बड़ा शैतान है, उससे दूर ही रहना, समझे। वैसे तो गोलू को चंपी की बातें बहुत अच्छी लगी थी, बट मौसी ने मना किया था तो उसे अपनी मौसी की बात माननी ही पड़ी थी। तो एक दिन गोलू ने अपनी मौसी से पूछा कि मौसी, क्या मैं टीनू मिन्नू भैया के साथ उनके स्कूल चला जाऊँ। तो मौसी ने बोला, ठीक है, तुम भी अपने भाइयों के साथ स्कूल जाया करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और अगले दिन गोलू टीनू मिन्नू के साथ उनके स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और रास्ते में एक तालाब पड़ता था जिस पर बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। गोलू का मन कर रहा था कि मैं उन फूलों को तोड़ ले। गोलू फूल तोड़ना चाहता था और जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया तो टीनू मिन्नू ने उसे रोक लिया। उन्होंने बोला कि क्या तुम मरना चाहती हो, यह तालाब बहुत गहरा है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, चुपचाप स्कूल चलो, नहीं तो मम्मा बहुत नाराज होगी। तो वो स्कूल की ओर चल पड़ते हैं, पर गोलू का मन अभी भी फूल की ओर लगा हुआ था। उसने सोचा कि टीनू मिन्नू ना मुझे फूल तोड़ने से रोक रहे हैं, पर मैं तो फूल तोड़ के रहूंगा, बाद में पता नहीं फूल मिले ना मिले। तो वो फूल तोड़ने के लिए वापस तालाब पर चला जाता है और जैसे ही वो फूल तोड़ने लगता है उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाता है। वो डूबने लगता है तो सोचता है कि आज तो बच्चा मरा तू। तो वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। तभी वहां से जंपी बंदर निकल रहा होता है तो वो गोलू की आवाज सुनकर वहां पे आता है और उसे तालाब से निकाल लेता है। तो इतने में टीनू मीनू भी वहां आ जाते हैं और बाकी जानवर भी आ जाते हैं। तो गोलू अब ठीक होता है और गोलू की मौसी चंपी को धन्यवाद देती है। तो बच्चों, इस कहानी हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप चाहे जितनी मर्जी शरारतें करो पर वक्त पड़ने पर अपनी समझदारी, बुद्धिमानी और बहादुरी से काम लेना है। तो समझे बच्चों।